भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे के बाद अब पांचवें वनडे की बारी आ चुकी है। जी आपको बता दें कि रविवार को यानी कि 3 फरवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में सीरीज का आखिरी वनडे खेला जाना है। भारत का ये आखिरी मैच है विश्व कप से पहले विदेश में, ऐसे में भारतीय टीम अपने सभी मोहरों को टेस्ट करना चाहेगी। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2 मैच मिस करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो चुकी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। जी हां, खबरों की माने तो धोनी बिल्कुल फिट है। स्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से यहां पर महेंद्र सिंह धोनी तीसरा और चौथा वनडे नहीं खेल पाए थे, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा था। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का ना होना चौथे वनडे में भारत को भारी पड़ा और टॉप ऑर्डर के कोलैप्स होने के बाद एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में भी भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंबती रायडू और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे में धोनी के आने से भारतीय मध्यक्रम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री क्या टीम इंडिया को आखिरी वनडे में जीत दिलवा पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।